हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप एक डेटाबेस बनाते हो और डेटाबेस में कोई वैल्यू को रखते हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि मैं एक जो है डेटाबेस बनाया हूँ और उस डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ORG है, ठीक है, यहाँ पे फिर से आइए एंड यहाँ पे हमें ढूंढना है ORG, ठीक है। ये देखिए ORG वाले यहाँ पे हमारे पास जो है मिल रहा है। एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सा, यस, यहाँ ORG एंड ऑर्गेनाइजेशन टेबल का नाम है, ठीक है। ये सारे डेटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही सेम डेटा देखिए मैंने यहाँ पे फेच किया है, सेम टू सेम डेटा, ठीक है। तो सेम टू सेम डेटा फेच किया, इसका क्या मतलब है कि अभी मैं इस टेबल में जो भी एंट्री करूंगा वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ फ्रंट एंड पे दिखेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है अभी फिलहाल जो मैं ये डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ एंड मैं इसमें एक एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो आप भी एंट्री करके डेटा को फेच कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हमें हटाना है एंड हटाने के बाद जो है अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो है वर्कर ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है एंड डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सारे कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो इस टेबल में, INSERT इंसर्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसके अंदर आपको वैल्यू क्या डालना होगा। चलिए अभी मुझे पता नहीं कि वर्कर का आईडी क्या है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सबसे पहले मैं 10 डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं है, एक्चुअल में पता होता तो फिर मैं कर लेता उसको, ठीक है। फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम अगर डालना हो तो क्या डाल सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें डालना होता है। तो इसके लिए सपोज साधु मैंने डाला, ठीक है, एंड उसके बाद जो है लास्ट नेम देखना है, ठीक है। तो लास्ट नेम क्या डालेंगे, तो लास्ट नेम साधु, यहाँ मुझे साधु डालना था, ठीक है, साधु लाल, ठीक है। और सपोज मैंने साधु लाल डाल दिया, ओके। अभी क्या है कि उसका सैलरी भी मुझे यहाँ देना है, ठीक है। अभी यहाँ मुझे सैलरी, सपोज उसका सैलरी जो है 7000 है, ठीक है, मैंने ये दे दिया। एंड ज्वाइनिंग डेट आपको कुछ भी डाल देना है, सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15 07, पहले इसके बीच में इस प्रकार से स्पेस भी देना है, ठीक है, 15 07, और उसके बाद कौन सा 03, कुछ भी डाल दें, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी, एंड उसके बाद वो कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हो, इस चीज़ को मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ CSE डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे जो है मुझे इस प्रकार से इसे रख देना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रन करवाता हूँ, जब मैं इसे रन करवाऊंगा तो यहाँ पे जो है रन हो गया है एंड सबसे पहले मैं यहाँ के डेटाबेस का टेबल आपको दिखाना चाहूँगा कि उसकी एंट्री हुई है कि नहीं। यस, साधु लाल 7000, और ये देखिए ये एंट्री आपका हो चुका है, ठीक है। जब ये एंट्री हो चुका है, भले इसमें टाइम थोड़ा सा नहीं दिए हैं तो आप दे दीजिएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँगा, अभी देखिए आपको कहीं साधु दिख नहीं रहा होगा, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा साधु आ गया। तो बेसिकली मैं इसी को आज बताने के लिए आपको कोडिंग के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जेम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है एंड अबाची MySQL को जो है ओपन कर लेना है एंड उसके बाद एक्सप्लोर पे जाना है। और जब एक्सप्लोर पे जाओगे तो आपको मिलेगा STDocs फाइल एंड STDocs फाइल पे जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना फाइल क्रिएट करोगे। बेसिकली STDocs के अंदर ही फाइल क्रिएट करना होता है एंड उसके बाद जो है अपना जो भी है उसमें कोडिंग करोगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे fetch1 नाम से एक फाइल बना लिया है और इसको जो है मैं ओपन करता हूँ VS Code के थ्रू, ठीक है, VS Code के थ्रू करता हूँ। अभी देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं देखिए ऑलरेडी एक कोडिंग करके रखा हुआ हूँ कुछ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को मैं चाहूँगा कि यहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ वीडियो हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आना है एंड यहाँ पे फाइल बनाना है कनेक्शन नाम की, ठीक है, कनेक्शन नाम का फाइल बना देना है एंड कंट्रोल वी करना है। और कंट्रोल वी करने के बाद ये आपका कनेक्शन यहाँ से एस्टेब्लिश कर देगा एंड इसको एक बार ब्राउजर पे जाकर के हम लोग देख लेते हैं। तो क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट के बाद आपको टाइप करना है पैच वन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन नंबर दिख रहा है, अगर कुछ इरर नहीं शो हो रहा है तो मतलब ये ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले यहाँ पे देखिए बस एक चीज और हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अभी जरा बताइए कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए सिंपली हमने क्या किया है कि इसको एक सेंटर टैग के अंदर, देखिए आपको पता ही है कि यहाँ पे एमिट एब्रीवेशन लगा करके एक फाइल आपको सबसे पहले यहाँ पे और क्रिएट करना है, व्यू डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है, हमने ये क्रिएट कर लिया। आपको पता है कि इस प्रकार से एमिट एब्रीवेशन लगाते हैं एंड इस प्रकार से इतना पूरा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या कह देंगे कि फेचिंग डेटा फॉर्म डेटाबेस, ठीक है, ये डेटाबेस से जो है डेटा फेच होगा, ओके। अभी देखिए सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना है कि एक सेंटर टैग मैं यहाँ पर लगाता हूँ, सेंटर टैग मैं यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ डेटा फेच करना है और कुछ करना नहीं है। और इसके अंदर क्या करना है कि एक टेबल टैग भी लेना है मुझे, ठीक है, टेबल टैग भी हमने ले लिया। टेबल टैग के बाद क्या होगा, आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो मैंने ये डिजाइन किया है, यहाँ पे ये वर्कर आईडी, ये एंड ये, आपको क्या लग रहा है कि ये एक टी आर टैग हमने लिया होगा, टी आर टैग के बाद टेबल डेटा यानी टी डी टैग लिया होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके एचटीएमएल सीएसएस सीएसएस जो है, मैं इसका डिजाइनिंग जो है थोड़ा बहुत चेंज किया एंड देखिए बाकी के कंपेयर में इसके थोड़ा साइज बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे कि टी आर टैग ले लेना है, ठीक है, टी आर टैग लेना है। और टी आर टैग के अंदर क्या है कि टी डी, टी डी कितनी बार टी डी लेना है, आप देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग इसको बेस मान के चल रहे थे, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6, सिक्स आपको लेना है, टोटल सिक्स कॉलम लेना है। तो सिक्स कॉलम के लिए क्या करते हैं, आप सिंपली टी डी टैग के अंदर रखते चलोगे वो आपका बनता चला जाएगा। तो क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे आना है, देखिए ये सब चीज ज्यादा कुछ बढ़िया है नहीं, तो इसे मैं सिंपली इसी में करके देखिए, सिंपली हमने क्या किया है टी आर टैग लिया है एंड टी आर टैग के अंदर क्या किया है, टी आर टैग के अंदर सिंपली हमको क्या करना है, इस चीज को कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस चीज को हमने कर लिया कॉपी। और कॉपी होने के बाद अभी क्या करना है, आपको इसमें आना है, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। अब बताइए अगर इतना कोई दिक्कत है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको तो चलिए इस जगह चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, व्यू डॉट पी एच पी, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आपको वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट, ये सब कुछ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा स्टाइल करके मैं इसे दिखाऊंगा, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए जब इतना कुछ हो जाने के बाद अभी आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमें तो ये क्या करना था, ये पार्ट तो मुझे स्टेटिक रखना है, इस पार्ट में तो कोई चेंजिंग करना नहीं है, बेसिकली मुझे ये सारे पार्ट डायनेमिक रखना है, ये सारे पार्ट डायनेमिक रखना है, ठीक है। तो जब डायनेमिक रखना होता है तो वहीं पे पीएचपी आता है हमारा, तो चलिए यहाँ से हम पीएचपी को अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉरी यहाँ से मैं अपने पीएचपी को स्टार्ट करूँगा एंड इसको क्लोज भी कर दूंगा यहाँ पे, एंड क्लोज करने के बाद अभी क्या है कि आपने जो कनेक्शन बनाया था उसको यहाँ पे एक बार रिक्वायर कर देना है। देखिए वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे किया है और कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको सेम टू सेम देखिए, एक एक करके एक एक लाइन में कॉपी करके बताता हूँ एंड एक एक चीज़ मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी हमने कॉपी किया एंड जस्ट इसके नीचे आकर के क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा। अब क्या है कि जो आपने ये फाइल बनाया था, ये वाला फाइल, वो आपका फाइल यहाँ पे क्या हो गया, मतलब आ गया, कनेक्शन ये रिक्वायर हो गया, मतलब आ गया। यहाँ देखिए आप दो वर्ड सुने होंगे इस तरह का, रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस, तो दोनों में से आप अगर रिक्वायर यूज करते हो, रिक्वायर वंस करते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो रिक्वायर वंस का मतलब ये है कि अगर दो बार आप मान लीजिए इस फाइल को इंक्लूड कर देते हो तो वो एक ही बार आएगा, तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो नीचे जैसे ही आएंगे, अभी क्या है कि डेटा को मुझे फेच करना है बेसिकली डेटाबेस से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाने के लिए क्या होगा, सिंपली हमें एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, देखिए
क्वेरी, एंड क्वेरी के बाद देखिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब कहां से सेलेक्ट करना है वो चीज को थोड़ा समझना है मुझे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देना होगा, तो टेबल का नाम चलिए यहां देखते हैं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार स्पेलिंग मैच कर लीजिए, ओ आर जी ए एन, ओ आर जी ए एन एस ए टी आई ओ एन, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये चीजें आपकी यहां तक हो गई है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो क्वेरी हमारा चल गया, एंड ये क्वेरी आपको क्या करेगा, उसमें जा करके ये वर्क कर देगा आपका। इसका मतलब आपको पता है कि ये सेलेक्ट करता है, स्टार का मतलब क्या है कि जितने भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन टेबल में है। ओके, इसके नीचे आना है, एंड एक मुझे और वेरिएबल बनाना है रिजल्ट नाम का, रिजल्ट या रेस नाम का जो भी कहिए। ठीक है, और ये बनाने के बाद एक आपको चलाना पड़ेगा माई एसक्यूएलआई क्वेरी। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि आपने जो भी यहाँ पे क्वेरी चलाया है वो MySQL क्वेरी नाम के फंक्शन जो है एक्चुअल में डेटाबेस में जो चेंजिंग हुआ है उस चीज को ये रिजल्ट वाली वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जैसे स्टोर करेगा तो इसके अंदर आपको दो आर्गुमेंट पास करना होता है। ठीक है, कौन कौन सा, डॉलर कनेक्शन कोमा एंड डॉलर जो आपने वहां पे क्वेरी अभी चलाया, ये दो चीज। ठीक है, बस ये दो चीज करना है। जब इतना हो गया तो आपको एक कंडीशन लगाना, इफ इज सेट। ठीक है, इफ इज सेट, और इसके अंदर क्या देना है, रिजल्ट। इस सेट आप लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, मतलब आप लगा देते हो तो ज्यादा सिक्योरिटी उसका बढ़ गया, अगर सेट हो रहा है तभी ये चलेगा। ठीक है, लेकिन पैसे भी वो वर्क करता है। अभी देखिए कि सेम टू सेम आपने इतना चीज कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अभी आप बताइए कि इसके अंदर हमें डेटा फेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें तो ये पता नहीं है कि उसमें डेटा कितना अनलिमिटेड आ सकता है, तो सिंपली हमें एक लूप चला देना है, व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल लूप, एंड देखिए इसके चलाने के लिए जो फंक्शन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको सिंपली जाना है, एंड क्या करना है, यहाँ पे रॉ नाम का, क्योंकि डेटा हमारा रॉ के फॉर्म में आता है, तो रॉ नाम का एक वेरिएबल इसके अंदर ही बना लेना है, एंड इसके अंदर जो फंक्शन एक लिखना है वो फंक्शन है MySQLi, ओके, फेच एसओप, ऑनलाइन एसओप, एसओप। ठीक है, और देखिए ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन है जो वन बाय वन आपके टेबल में जाकर के वो डेटा को फेच करना स्टार्ट करेगा। तो कौन से डेटा को, जो रिजल्ट में स्टोर्ड है, और ये रिजल्ट में क्या स्टोर करेगा, जो भी यहाँ से ये कनेक्शन लिया एंड क्वेरी, उस टेबल का सारे डेटा को रिजल्ट में करेगा। एंड रिजल्ट को जब मैं इस MySQLi fetch asop के आर्गुमेंट में पास करूंगा, तो MySQLi fetch asop फंक्शन क्या करता है कि वन बाय वन आपके डेटा को दे देता है। तो यहाँ पे क्या करना है, डॉलर एंड रिजल्ट नाम के वेरिएबल को इसमें पास कर देना है, और जैसे ही यहाँ पे पास करना है उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। सपोज मैं अभी सिर्फ एक डेटा को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे करूंगा इको, एंड इको करने के बाद क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि मुझे एक डेटा को देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, रॉ जो वेरिएबल बनाया है, बेसिकली इस रॉ में ये जो MySQLi फंक्शन जो फेच कर रहा है डेटा को, इस रॉ में स्टोर करवा रहा है। जब इस रॉ में स्टोर करवा रहा है तो क्या करेंगे हम, कि इस रॉ के ही हेल्प से जो हमें डेटा को फेच करना पड़ेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर लगाना है डॉलर रॉ, और इसके अंदर आना है, एंड क्या करना है कि यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस डेटाबेस में पहला वर्कर आईडी। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर कैपिटल लेटर में है तो आपको कैपिटल लेटर ही वहाँ पर डालना होगा, तो वर्कर और स्पेस देना था आईडी। ठीक है, तो वर्कर आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया। जैसे ही वर्कर आईडी दे दिया, अब चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या सिर्फ वर्कर आईडी हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, व्यू डेटा मुझे यहाँ करना है। ओके, यहाँ पर देखिए मुझे एरर बता रहा है। एरर क्या है, कैनॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप MySQL रिजल्ट एरे डीजेम। 27 लाइन में यहाँ जो कुछ एरर बताया जा रहा है उस चीज को देख लेते हैं। 27